हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। 370 प्रदेश में संग्राम तो शांत हो गया है, लेकिन शायद कांग्रेस के भीतर अभी भी अशांति बनी हुई है, क्योंकि इस एक मुद्दे पर कांग्रेस दोफाड़ हो चुकी है। ऐसे में सरकार के फैसले पर सहमति जताने वाले नेताओं को नसीहत दी जा रही है कि कांग्रेस का इतिहास पढ़े। सत्तर पर जहां सदन के भीतर कांग्रेस जमकर विरोध कर रही थी, तो वहीं सदन के बाहर कांग्रेस के ही कई कद्दावर लगातार सरकार के कदम की सराहना कर रहे थे, और यहीं से शुरू हो गई 370 पर कांग्रेस के भीतर आर पार की लड़ाई, क्योंकि सरकार का 370 पर लिया गया फैसला कांग्रेस के कई सूरमाओं को रास आ रहा था। न सिर्फ इस फैसले को लेकर, बल्कि पहले से ही कई कांग्रेसी तो बार बार मांग करते रहे कि कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए, लेकिन जब सरकार ने इस पर ऐतिहासिक कदम उठाया तो ये मौका था उन कांग्रेसियों के लिए भी देशहित में खड़े होने का। इस रास्ते पर जब हरियाणा के पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी चले, तो सीधे सीधे सवाल उठा दिया गया गुलाम नबी आजाद के द्वारा, और नसीहत दे दी गई नेताओं को कि पहले कांग्रेस का इतिहास पढ़े फिर बोले। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का पारा 7वें आसमान पर है। गुलाम नबी आजाद से जब ऐसे कांग्रेसी नेताओं के बारे में सवाल किया गया तो वो भड़क उठे। कांग्रेस पार्टी में ही जनार्दन द्विवेदी हो या भुवनेश्वर कलिता हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, ये नेता आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? ये कह रहे हैं अच्छा हुआ 370 में, और अब देखो जिम्मी ने कहा है, और जिम्मी ने कहा है कि देश की जनता सरकार के समर्थन में इस मुद्दे पर ये मानते हैं। देखें, जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या कांग्रेस की हिस्ट्री पता नहीं है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो पहले जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और कांग्रेस की हिस्ट्री में पकड़े और फिर कांग्रेस में रहे। ये साफ दिखाई दे रहा है कि अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के फैसले से कांग्रेस दो भागों में बट चुकी है। मिलिंद देवड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, अदिति सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता फैसले के साथ दिखे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिन लोगों को जम्मू कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास नहीं पता है, उन लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसे नेता पहले कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास पढ़ें, फिर कांग्रेस में रहें। गुलाम नबी आजाद ने सीधे सीधे ऐसे लोगों को कांग्रेस छोड़ने का संकेत दे दिया। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब गुलाम नबी के बयान पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये दीपेंद्र की निजी राय है। कश्मीर पर भी सबको ज्ञान है, दीपेंद्र को भी ज्ञान है, मेरे को भी ज्ञान है। जो मेरा यहाँ विधानसभा में स्टैंड था, हमारा पर्सनल स्टैंड है, दीपेंद्र का भी है, जो हमने राष्ट्रीय में समझा वो क्या है। वही 370 पर असमंजस में फंसी कांग्रेस पर बीजेपी नेताओं ने भी इस मसले को देशहित से जोड़कर बता दिया। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र जी ने, जनार्दन द्विवेदी ने, ऐसे बहुत से लोगों ने ये जो फेवर किया है, इस फैसले का स्वागत किया है। इसमें जो गुलाम नबी आजाद ने उनको कहा ज्ञान लेने की बात है, हुड्डा जी ने बिल्कुल अच्छा कहा है, उन्होंने जो है ना राष्ट्रहित की तो बात कही है, जो है ना उसका मैं स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और हरियाणा के अंदर भी विपक्षी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है, इसमें कोई दोराय नहीं है, हुड्डा साहब जी ने राष्ट्रहित की बात करी है। खैर, 370 से कांग्रेस में मचे खमासान को रोकना कांग्रेस के लिए एक और बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि देश भर में कांग्रेस पार्टी पहले से ही कमजोर स्थिति में है, और हरियाणा में तो पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही तीखे तेवर दिखा चुके हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में यदि ऐसे ही हालात रहेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी पार्टी कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।